हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का करंट अफेयर का प्रोग्राम, जिसमें हम लेकर आते हैं महत्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोणों से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही प्रतिदिन हमारे इस प्रोग्राम को देखना मत भूलिए, क्योंकि यह आपके जो परीक्षा की तैयारी है उसमें चार चांद लगाएगा। यह आपके परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, आपके करंट अफेयर के विभिन्न सारे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि बीते कुछ दिनों में देश और विदेश की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है। तो पहला जो आपके समक्ष स्क्रीन पर है वह है कि डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आज डेटा का संरक्षण करना काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। द बिल इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन विच बिगिंस ऑन July 20। द बिल प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू ओवरसी द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा इन इंडिया विल कम अंडर इट्स लीगल डोमेन। अकॉर्डिंग टू द बिल, पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड ओनली विथ द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस विधेयक के तहत अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रावधान है। भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा और इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे। बिल के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की अस्पष्ट सहमति से ही संसाधित किया जा सकता है। ये था डेटा संरक्षण विधेयक। अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें है दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं? तो इंडियाज माइनिंग मेजर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज ऑनर्ड विद टू प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द एसोचेम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2023 हेल्ड इन कोलकाता। द कंपनी रिसीव्ड द मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड द एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द माइनिंग सेक्टर एंड इट्स एग्जेम्पलरी HR प्रैक्टिसेज। द अवार्ड वेयर प्रेजेंटेड बाय अनुराग श्रीवास्तव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द इंडिया माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस 2023। तो भारत के खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में आयोजित एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। भारतीय खनन और खनिज सम्मेलन 2023 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग वाणिज्य और उद्यम विभाग के सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने पुरस्कार प्रदान किए। तो इस तरह से दो प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें है अजीत अगरकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जानते हैं क्रिकेट के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज अपॉइंटेड अजीत अगरकर एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। द डिसीजन वाज टेकन बाय द क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी विच इंक्लूडेड सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा एंड जतिन परांजबे।
आफ्टर इंटरव्यूइंग सेवरल एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट द सीएसी यूनानिमसली डिसाइडेड टू अपॉइंट अजीत अगरकर एज द चेयरमैन। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला क्रिकेट सलाहकार समिति ने किया जिसमें सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल थे। इस पद के लिए कई आवेदकों का साक्षात्कार लेने के बाद सीएसी ने सर्वसम्मति से अजीत अगरकर को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। अब अगला जो घटनाक्रम है उसमें है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन से लोग संस्थाओं के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी हैव साइंड एन एमओयू विथ द इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड इन गांधीनगर। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया ऑफ लोथल पाटन अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिल्डिंग द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इट विल इंक्लूड मैरिटाइम म्यूजियम, लाइट हाउस म्यूजियम, मैरिन थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क सेंटर एक्सेट्रा। तो भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने गांधीनगर में इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका निर्माण लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जाएगा। पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्र सरकार राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रही है। इसमें समुद्री संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, समुद्री थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क सेंटर आदि शामिल होंगे। तो लोथल में यह काम किया जा रहा है। लोथल जानते हैं कि हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण टाइडल पोर्ट था ज्वारिया बंदर का। अगला घटनाक्रम है कि फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब होगी। तो द कमिंग समर विल सी द स्टार्ट ऑफ द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप विच बिगिन ऑन थर्सडे 20 जुलाई। द टूर्नामेंट विल बी यूनिक एज इट विल बी ज्वाइंटली होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मार्किंग द फर्स्ट टाइम द टू कंट्रीज विल शेयर द होस्टिंग ड्यूटी। एडिशनली दिस एडिशन विल फीचर एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन विद 32 टीम्स कंपीटिंग इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 24। तो आगामी गर्मियों में 2023 फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत होगी जो गुरुवार 20 जुलाई से शुरू होगी। यह टूर्नामेंट अद्वितीय होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जो पहली बार दो देशों की मेजबानी कर्तव्यों को साझा करेगा। इसके अतिरिक्त इस संस्करण में विस्तारित भागीदारी होगी जिसमें पिछले 24 के बजाय 32 टीमें प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगी। तो फीफा महिला विश्व कप कहां खेला जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों जगहों पर एक साथ होगा, यानी दोनों ने जिम्मेदारी इसका उठाया है। तो यह पहली बार हो रहा है। ऐसे जो हमारा क्रिकेट होता है आईसीसी का, तो उसमें ऐसा कई बार देखने को मिला है। अगला है थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इंस्टाग्राम ऑनर मेटा हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स विद ट्विटर फेसिंग वॉलेटिलिटी अंडर ए बिलियनरी ऑनर लाइक एलन मस्क, मेटा एम्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। थ्रेड इज नाउ अवेलेबल इन ओवर 100 कंट्रीज थ्रू द एप्पल ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। लाइक ट्विटर, यूजर्स कैन शेयर शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज दैट कैन बी लाइक्ड, रिपोस्टेड एंड रिप्लाइड टू। तो इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है।
इलॉन मस्क जैसे अरबपति मालिक के तहत ट्विटर को अस्थिरता का सामना करते हुए मेटा का लक्ष्य इस स्थिति का लाभ उठाना है। थ्रेड्स अब एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। ट्विटर की तरह उपयोगकर्ता संक्षिप्त पाठ संदेश साझा कर सकते हैं जिन्हें पसंद पुनः पोस्ट और जवाब दिया जा सकता है। तो यह है ट्विटर को चुनौती देने के लिए नई पेशकश मेटा के द्वारा किया गया, जिसका फेसबुक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म भी उसी का है। अब आइए देखते हैं अगला क्या घटनाक्रम है। तो बी नीरज प्रभाकर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब किसका अध्यक्ष बनाया गया, चलिए देखते हैं। वाइस चांसलर ऑफ श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बी नीरज प्रभाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी फॉर द ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयल पाम रिसर्च एट पेडावेगी आंध्र प्रदेश। तो श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति बी नीरज प्रभाकर को आंध्र प्रदेश के पेडावेगी में ICAR भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला जो आपके समक्ष घटनाक्रम है उसमें है आधव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए। तो किसका चुनाव हुआ ये देखते हैं। आधव अर्जुन प्रेसिडेंट ऑफ द तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन इमर्ज विक्टोरियस इन द इलेक्शन हेल्ड एट द नेहरू स्टेडियम एंड टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आधव डिफीटेड सिटिंग स्पीकर के गोविंद राज बाय सिक्योरिंग एंड इंप्रेसिव 38 out of 39 वोट। तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार हासिल किया। आधव ने 39 में से प्रभावशाली 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंद राज को हराया। ये थे आधव अर्जुन। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें कृष्ण मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है चलिए देखते हैं। द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड कृष्णा मिश्रा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव August 1, 2023। FPSB इंडिया इज द इंडियन सब्सिडियरी ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन एंड ऑनर ऑफ द इंटरनेशनल सर्टिफिकेटेड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इन हीज न्यू रोल मिश्रा विल लीड द स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन ऑफ FPSB इंडिया एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड ने कृष्ण मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो 1 अगस्त 2023 से प्रभावी है। FPSB इंडिया भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड की भारतीय सहायक कंपनी है जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए वैश्विक मानक सेटिंग निकाय है और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजनाकार प्रमाणन कार्यक्रम का मालिक है। अपनी नई भूमिका में मिश्रा FPSB इंडिया की रणनीति और संचालन का नेतृत्व करेंगे और भारत में वित्तीय नियोजन पेशे की उन्नति का समर्थन करेंगे। अगला जो घटनाक्रम है उसमें है फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है हमारी सरकार। तो दिस डे द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज टेकिंग वन बिग स्टेप आफ्टर अनदर टू कर्ब फेक रजिस्ट्रेशन। द GST काउंसिल इज कंसिडर्ड इंप्लीमेंटिंग न्यू मेजर टू डील विथ बोगस रजिस्ट्रेशन एंड इनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ द GST सिस्टम। दीज मेजर्स इंक्लूड रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड फॉर सबमिशन
ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल लिंक्ड टू पैन, इंट्रोड्यूसिंग मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट्स एंड अमेंडिंग जीएसटी रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट्स ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद इन दिनों फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक बड़ा कदम उठा रही है। फर्जी पंजीकरण से निपटने और जीएसटी प्रणाली की अखंडता को बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद नए उपायों को लागू करने पर विचार कर रही है। इन उपायों में पैन से जुड़े बैंक खाते के विवरण जमा करने की समय अवधि को कम करना, उच्च जोखिम आवेदकों के लिए अनिवार्य भौतिक सत्यापन शुरू करना और सत्यापन के दौरान आवेदकों की उपस्थिति के संबंध में जीएसटी नियमों में संशोधन करना शामिल है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किसके स्वीकृत किया गया? तो द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज साइन एन एमओयू विथ द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी फॉर कोऑपरेशन इन अनमैंड एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी ड्यूरिंग द इंडिया EU एविएशन समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द एमओयू विल इनेबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन दिस एरिया एंड ऑल्सो देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग आउट टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स बिटवीन DGCA एंड EASA। तो नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मानव रहित विमान और प्रणालियों और अभिनव हवाई गतिशीलता में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र में तकनीकी विकास और अनुसंधान से संबंधित जानकारी साझा करेगा और DGCA और EASA के बीच प्रासंगिक हितधारकों तक पहुंच के लिए उनकी संबंधित रणनीतियों को भी साझा करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें है पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का अपना 2 दिवसीय दौरा किया। पीएम मोदी मेड हिज 2-डे विजिट टू उत्तर प्रदेश। ही अटेंडेड द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ गीता प्रेस एंड फ्लैग ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड ए स्पेशल इशू ऑफ शिव पुराण विच हैव 200 कलर पिक्चर्स ऑफ शिव लीला। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्कीम वर्थ ₹1800 crore एंड इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ अबाउट ₹10,000 crore इन वाराणसी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा किया। वह गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए और 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वह शिव पुराण के एक विशेष अंक का भी उद्घाटन किया जिसमें शिव लीला के 200 रंगीन चित्र। वह वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और करीब 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। अगला जो महत्वपूर्ण है घटनाक्रम कि कलर्स ऑफ डिवोशन नामक एक पुस्तक है वह यहां लाया गया है। देयर इज ए बुक टाइटल कलर्स ऑफ डिवोशन रिटन बाय अनिता भारत शाह। कलर्स ऑफ डिवोशन एम्स टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कनेक्शन ऑफ द इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द पुष्टि मार्ग लेट डाउन बाय द संत एंड फाउंडर श्री वल्लभाचार्य। तो अनिता भरत शाह द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक एक पुस्तक है। कलर्स ऑफ डिवोशन का उद्देश्य संत और संस्थापक श्री वल्लभाचार्य द्वारा निर्धारित पुष्टि मार्ग की भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं के अंतर्निहित संबंध को समझना है। तो ये पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य जो है आप देखिएगा 14वीं शताब्दी में आए हैं और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। उस समय कई सारे मार्ग चल रहे थे, द्वैतवाद, तो ऐसे सारे के बीच में पुष्टि मार्ग लेकर के आए थे। अगला जो घटनाक्रम है वह है हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का
अनावरण किया गया इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन नेविगेशन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। बेंगलुरु बेस्ड फर्म एलोना जियो सिस्टम हैज अनवेल्ड द कंट्रीज फर्स्ट हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस बेस्ड ऑन द इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। द डिवाइस एम टू प्रोवाइड प्रिसाइज गाइडेंस फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रेलवे लैंड सर्वेइंग टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कॉस्टिंग ₹6,000। इट कैन बी इजिली कनेक्टेड टू ए स्मार्टफोन यूजिंग द ऑन द गो कनेक्टर अलाउिंग यूजर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ डाटा फ्रॉम एनी मैपिंग एप्लीकेशन और सैटेलाइट सोर्स। तो नेविगेशन अनुप्रयोगों और सेवाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में बेंगलुरु स्थित फर्म एलोना जियो सिस्टम ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिजाइन का अनावरण किया है। डिवाइस का उद्देश्य रेलवे भूमि सर्वेक्षण दूरसंचार और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सटीक दिशा निर्देशन प्रदान करना है। ₹6,000 की लागत के साथ इसे ऑन द गो कनेक्टर का उपयोग करके स्मार्टफोन से आसानी से जोड़ा जा सकता है जिससे उपयोगकर्ता किसी भी मैपिंग एप्लीकेशन या उपग्रह स्रोत से डेटा का लाभ उठा सकती है। अगला जो घटनाक्रम है उसमें PNB मेटावर्स के लॉन्च की घोषणा की गई। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ PNB मेटावर्स ए वर्चुअल ब्रांच ऑफरिंग ए यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस। कस्टमर्स कैन एक्सप्लोर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक बैंक डिपॉजिट लोन्स डिजिटल प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू देयर मोबाइल फोन एंड लैपटॉप। कस्टमर्स कैन इंगेज विथ द बैंक्स ऑफरिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स और ऑफिस। PNB मेटावर्स प्रोवाइडेड कस्टमर्स विथ द एक्सक्लूसिव एसेस टू ए वायरल वर्चुअल एनवायरमेंट। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB मेटावर्स के लॉन्च घोषणा की है जो एक आभासी शाखा है जो एक अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से बैंक जमा ऋण डिजिटल उत्पाद और सरकारी योजनाओं जैसे विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का पता लगा सकते हैं। ग्राहक अपने घरों या कार्यालयों में आराम से बैंक की पेशकश के साथ जुड़ सकते हैं। PNB मेटावर्स ग्राहकों को वर्चुअल वातावरण तक विशेष पहुंच प्रदान करेगा। अगला है GEM पुरस्कार जीता। किसने जीता? तो NLC इंडिया लिमिटेड ओन द GEM अवार्ड इन द टाइम पेमेंट कैटेगरी। इट हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंप्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ई मार्केट प्रैक्टिसेज इन लाइन विथ द विजन ऑफ GEM। द विजन ऑफ GEM इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव एंड ऑफिशियंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया। NLC इंडिया लिमिटेड के ने समय का भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार जीता। इसे GEM के विजन की तर्ज पर ई मार्केट प्रथाओं की विश्वसनीयता के सुधार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। GEM का विजन भारत में पारदर्शी समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना है। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज डेवलपिंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉल्ड द फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर इंडिया। विद द हेल्प ऑफ दिस वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज विल गेट अर्ली वार्निंग अबाउट द इम्पेंडिंग डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स सो दैट प्रोएक्टिव इंटरवेंशन एंड नेसेसरी स्टेप्स कैन बी टेकन।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली संस्था केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान भारत के लिए अपने तहत के पहले किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है। इसकी सहायता से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी एजेंसियों जैसी विभिन्न संस्थाओं को किसानों के आसन संकट के बारे में प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त हो सकेगी, ताकि सक्रिय हस्तक्षेप किया जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सके। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, टाइम ऑफ हिंदुस्तान नामक एक पुस्तक लिखी गई है। तो सुधा पाई एंड सज्जन कुमार हैव रिटन ए बुक टाइटल माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इन दिस बुक ही प्रोवाइड्स एन इनसाइटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन माया मोदी एंड आजाद इन द रियल्म ऑफ दलित पॉलिटिक्स। ही एनालाइज इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली द डायनेमिक ऑफ दलित पॉलिटिक्स बट ऑल्सो द वाइडर डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया स्पेशली एज वी हेड टुवार्ड्स द हाईली कंटेनियस जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। तो सुधा पाई और सज्जन कुमार ने माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में वे दलित राजनीति के दायरे में माया मोदी और आजाद के बीच परस्पर क्रिया की एक बोधगम्य और विचारोत्तेजक परीक्षा प्रदान करते हैं। उनका विश्लेषण न केवल दलित राजनीति की गतिशीलता बल्कि भारत के व्यापक लोकतांत्रिक प्रदेश को समझने में बहुत महत्व रखता है, खासकर जब हम 2024 के अत्यधिक विवादास्पद आम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, चैंपियन समूह में शामिल। कौन हुआ शामिल? तो इंडिया हैज ज्वाइन द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2022 टू एड्रेस अर्जेंट ग्लोबल इशूज इन फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस एंड टू कोऑर्डिनेट द ग्लोबल रिस्पॉन्स। तो भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियनशिप समूह में शामिल हो गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्य समूह। ए वर्किंग ग्रुप अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द रुपी इन द स्पेशल ड्राइविंग राइट्स बास्केट एंड री असेसमेंट ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिजीम टू एक्सेलरेट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व प्रमोटिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यकारी समूह ने रुपये को विशेष आहरण अधिकार बास्केट में शामिल करने और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को तेज करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रणाली के पुनः आकलन करने की सिफारिश की है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। अगला है, पैक्स को मजबूत बनाना सम्मेलन का उद्घाटन। एक कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथिंग पीएसी थ्रू एफपीओज विल बी इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह इन न्यू दिल्ली ऑन 14 जुलाई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्क्लेव इज टू डिस्कस वे टू स्ट्रेंथन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थ्रू फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। The mega conclave is being organized by the National Cooperative Development Corporation in collaboration with the Union Ministry of Cooperative.
14 जुलाई को नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना जैसे सम्मेलन का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम है पहली बैठक की मेजबानी। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑन द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम। द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विच विल be hosted by the UK regarding the use of artificial intelligence with tremendous potential but also major risk. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरे पर पहली बैठक की मेजबानी करेगी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी। इसे यूके द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में जबरदस्त क्षमता लेकिन प्रमुख जोखिम भी है। अगला घटनाक्रम है विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड The Foreign Contribution Registration Act license of Delhi-based NGO Sadbhavana Trust, which has been actively working to empower Dalit and Muslim women. This cancellation prevents the trust from receiving or using foreign grant. According to official, one of the credit violation of FCRA is the failure of the trust to open an FCRA bank account with the designated State Bank of India in New Delhi. तो केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सद्भावना ट्रस्ट का विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है जो दलित और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। यह रद्दीकरण ट्रस्ट को विदेशी अनुदान प्राप्त करने या उसके उपयोग करने से रोकता है। अधिकारियों के अनुसार एफसीआरए के उल्लिखित उल्लंघनों में से एक नई दिल्ली में नामित भारतीय स्टेट बैंक में एफसीआर बैंक खाता खोलने में ट्रस्ट की विफलता है। अगला है कि प्रवर्तन ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया गया है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। तो द डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डेवलप्ड द स्कूल एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। कि शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया जो व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर राज्य केंद्र शासित क्षेत्र स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर का प्रोग्राम। आशा है कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हम इसी तरह से प्रतिदिन के रोजाना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।